मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुंबई में टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन टाटा से मुलाकात की तथा उनसे प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने टाटा से प्रदेश में विशेषकर पर्यटन, आईटी, इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश भर में डीजल व पेट्रोल वाहनों के प्रयोग को कम करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है, जिसके कारण ऐसे वाहनों के निर्माण की व्यापक संभावनाएं विद्यमान है। मुख्यमंत्री ने टाटा ग्रुप से हिमाचल प्रदेश में बद्दी, परवाणु तथा नालागढ़ जैसे औद्योगिक स्थल जो कि रेलवे सुविधा से जुड़े हुए हैं, ऐसे स्थलों में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में निवेश के इच्छुक उद्यमियों के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही है। इनमें भूमि बैंक, निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा जिम्मेवार प्रशासन जैसी विशेषताएं हैं जो अन्य राज्यों से इस प्रदेश को विशेष बनाती हैं। टाटा ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि नवंबर माह में होने वाली इन्वेस्टर मीट से पहले टाटा ग्रुप के चेयरमैन की अध्यक्षता में हिमाचल सरकार के साथ संयुक्त टास्क फोर्स गठित की जाएगी ताकि प्रदेश में निवेश की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया कि टाटा सन्स निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में निवेश के लिए आगे आएगा। पीआर टीवी के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।